हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मैगी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे बड़े सभी खाते हैं, तो इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए हमने 2 पैकेट मैगी लिया है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। मैगी बनाने के लिए हमने एक सॉस पैन में पानी गर्म कर लिया है, तो हम यहाँ पे पानी की कोई क्वांटिटी नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम 2 ग्लास पानी डाले हैं और मैगी को हम ऐसे टुकड़ा करते हुए डाल देंगे, तो आप 2 या 4 टुकड़े में करके डाल दीजिए। मैगी को हम 80% कुक होने देंगे, फ्लेम तेज ही रखेंगे क्योंकि पकौड़े के लिए हमें मैगी को गलाना नहीं है, जस्ट इसे अच्छे से उबाल के स्टीम करना है। आप देख सकते हैं अपनी मैगी में उबाल आ चुकी है, तो यहाँ पे अपनी मैगी 80% ही कुक हुआ है। आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, तो हमें ओवर कुक नहीं करना है, हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चलिए इसे एक स्टेनर में छान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेनर ले लिया है, इस पे मैगी को डाल देंगे। एक्स्ट्रा पानी हम अच्छे से गड़ने देंगे। मैगी ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ कुछ वेजिटेबल ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच कैबेज काट लिया है, कुछ धनिया पत्ता हम काट लिए हैं, थोड़ा सा हरी मिर्च, तो हरी मिर्च आप बच्चों के अनुसार डालिए, तीखा ज्यादा बनाना हो तो ज्यादा डालिए, नहीं तो 1 आध डाल दीजिए। 1 छोटा प्याज हमने काट लिया है। सब्जियां बिल्कुल बारीक बारीक होनी चाहिए। हमने 1 गाजर को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और 1 छोटे साइज कैप्सिकम को भी हमने काट लिया है। तो ये बहुत ही हेल्दी पकौड़ा बनने वाला है। इतनी सारी सब्जियां बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, पर पकौड़े के साथ खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पैकेट मैगी लिया है, तो ये 2 पैकेट हम मैगी मेकर भी डाल दे रहे हैं। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। तो ये तीखा कम होता है पर कलर बढ़िया आता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम धनिया पाउडर अलग से डाल लेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेंगे और हमने अपने जो मैगी मेकर है उसमें सॉल्ट होता है, तो इसके लिए हम जितना सब्जी यूज करेंगे उसी के अंदाज से हम नमक डालेंगे, नहीं तो नमक ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें चने का आटा यानी कि बेसन। तो 2 पैकेट के लिए हम यहाँ पे 4 चम्मच बेसन ले रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और ले सकते हैं, लेकिन 4 चम्मच अंदाज से सही होता है। 2 चम्मच हम चावल का आटा डाल लेंगे। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर डालिए या रवा भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब हम सभी सब्जियों को चम्मच से बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसन, चावल का आटा, नमक, मिर्च मसाला यानी कि सब्जियों के साथ अच्छे से ऐड कर लिया है। अब फाइनल हम इसमें डालेंगे अपनी मैगी, जिसे हमने आधा पका के स्टेनर में रख रखा था, तो इसे हम डाल देंगे। तो चलिए हम मैगी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे हाथ से फाइनल मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमें मिक्स करना है, यानी कि मैगी और सब्जियां बेसन के साथ अच्छे से लिपट जाना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया डो तैयार हुआ अपना पकौड़े का, न ज्यादा गीला है न ज्यादा हार्ड है। तो आप देख सकते हैं पकौड़े के लिए अपनी मैगी तैयार है। अब हम हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और 1 साइज का बॉल्स बना लेंगे। तो आपको जितना बड़ा पकौड़ा बनाना है उतने ऐसे गोल गोल बॉल्स बना लीजिए। पहले हम 10 बॉल तैयार कर लेंगे। हमने कुछ बॉल्स तैयार कर लिए हैं और गैस पे तेल भी गर्म कर लिए हैं, तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं अपनी तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसमें हम धीरे धीरे 1-1 बॉल छोड़ देंगे। ये इतना टेस्टी होता है कि बच्चे बनने से पहले ही खाने का इंतजार करने लगते हैं। तो 1-1 बॉल हम इसमें छोड़ देंगे। एक बार में जितना बॉल आएगा आप छोड़िए और इसे एक साइड से 1 मिनट तक पकने के बाद हम छेड़ेंगे, नहीं तो क्या होता है बॉल टूट जाता है, फिर तेल में बिखर जाता है।
तो आप देख सकते हैं अपनी पकौड़े की कलर चेंज हो गई है, ब्राउन होने लगा है। तो इसे अब हम उलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। अब हम चलाएंगे तो इसको टूटने की डर नहीं है, ये बहुत अच्छे से पक जाता है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे तेल में। फ्लेम मीडियम है, ध्यान रहे, हाई फ्लेम पे हम डालते हैं, बाद में हम इसे मीडियम कर लेते हैं। हमने मैगी पकौड़ा को घुमा घुमा के अच्छे से ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक पका लिया है। अब सेम प्रोसेस हम अपनी छड़नी से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मैगी पकौड़ा तैयार हुई है। सेम प्रोसेस से हम सभी पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, हमने सभी पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया मैगी पकौड़ा बनाना कितना आसान है, और बच्चे तो मत पूछिए कितनी जल्दी चटकर जाते हैं, इसका पता भी नहीं चलता है। तो आप कोई भी चटनी है या सॉस है उसके साथ सर्व कीजिए। वैसे मेरे चैनल पे नारियल चटनी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं लिंक में जाके। तो इसे आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना।